अगली खबर पर आपको लिए चलता हूं। 700 सालों का अस्तित्व, मां देवड़ी की महिमा, जिनके सामने माथा टेकने बड़े बड़े दिग्गज आते हैं। क्या राज्य, क्या राजधानी, क्या देश, क्या प्रदेश, क्या विदेश, दुनिया भर के लोग देवड़ी मंदिर में माता की महिमा के आगे माथा टेकते हैं। 16 भुजाओं वाली महिमा है, 16 भुजाओं वाली माता है। 3.5 फीट की प्रतिमा से जो आशीर्वाद निकलता है, 3.5 फीट की प्रतिमा के लिए जो आस्था है झारखंड के लोगों में, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी देवड़ी मां के फाटक बंद कर दिए जाते हैं। देखिए क्या है रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आज की, ये आज की तस्वीरें हैं। कल माता देवड़ी के मंदिर प्रांगण का फाटक बंद कर दिया गया था, जिसके विरोध में आज वहां स्थानीय लोगों ने बंद का आह्वान किया। बुंडू और तमाड़ की सारी दुकानें बंद रह की गई। कमोवेश पूरे का पूरा बुंडू तमाड़ आज बंद रहा। और फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज। इस वक्त राज, आज बंद है दुकानें सारी, लोग विरोध में हैं, लोगों का कहना है कि इस तरीके से मंदिर का फाटक बंद करना सीधे सीधे माता की महिमा को ललकारना और लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना है। जी, आदिवासी समुदाय द्वारा प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर में ताला लगाकर पूजा को बाधित करने के विरोध में तमाड़ और बुंडू में बंद का आयोजन किया गया। सभी दुकानदारों ने स्वतः अपने दुकानों को बंद कर बंदी का समर्थन किया है। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि मंदिर में ताला लगाने वालों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मंदिर में ताला लगाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज की ये भावना को तो ठेस पहुंचाई है। लेकिन पूरा मामला जो समझ में आ रहा है, 800 करोड़ रुपयों का आवंटन जो राज्य सरकार ने किया है, कहीं उसके बंदर बांट को लेकर तो ये सारा विवाद पैदा नहीं हो गया है? जी, आदिवासी संगठन का कहना है कि सरकार उन लोग से, उन लोग का धर्म स्थल सनातन पूजा स्थल है वो, और वो अवैध तरीका से जो ट्रस्ट बनाया गया है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, इसी का लेके आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं, और जिसको हिंदू संगठन वाले आक्रोश जता रहे हैं उसपे। चलिए, बहुत धन्यवाद राज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। आखिर क्या कारण हुआ कि माता देवड़ी के मंदिर पर ताला लगाने की हिम्मत हो जाती है लोगों की, और प्रशासन को 4 घंटे, एसडीएम खुद वहां मौजूद थे, 4 घंटे लगे, मशक्कत करना पड़ा मंदिर का दरवाजा खुलवाने के लिए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मंदिर भक्ति और आस्था का केंद्र है, यहाँ दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य गेट पर कुछ लोगों ने ताला जड़ दिया था। इसके कारण कई श्रद्धालु बिना दर्शन के ही मंदिर परिसर से लौट गए। हम पिस्का नगरी से आए हुए हैं। और अभी पूजा हो गया? पूजा नहीं हुआ है, आज मंदिर बंद है। क्यों बंद है ये तो पता नहीं, हम लोग आए तो बाहर से, यहाँ लग के लोग बता रहे हैं कि आज मंदिर बंद है, पूजा नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को तो काफी परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुआ, हम लोग उतना दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर से चलकर। कहाँ पूजा हुआ सर, मंदिर तो बंद है। क्यों बंद है मंदिर पता नहीं, ये लोग बोल रहा कि कोई बैठक उठक है अपना, कोई मीटिंग है, उसके वजह से इन लोगों ने मंदिर को बंद करके रखा है। भाई आप लोगों आज खुलेगा? अभी नहीं, आज नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हुई, अब उतना दूर से आए हैं, 60-70 किलोमीटर दूरी से आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मंदिर की जमीन को अपना बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे अपना मान रही है। मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जब से फंड आया है तब से सौंदर्यकरण के कार्य को रोक दिया गया है। मंदिर में सरकार की ओर से यहाँ पर फंड आई है, यहाँ के सौंदर्यकरण कार्य के लिए। जब से यहाँ पर कार्य शुरू करने लगा तब सब से यहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जमीन हमारी खुद कट्टी है, क्योंकि सरकार कहना कि हमारी जमीन है, ये जीएम लैंड है। लेकिन लोग इस पर उसी को लेकर यहाँ पर आज सभा करने वाले थे, उसी को लेकर यहाँ ग्रामीणों द्वारा ताला लगाई गई। यहाँ पे कुछ दबंग किस्म के लोग जो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना पेट भरने के लिए यहाँ पे सरना और हिंदू इस तरह का धर्म जाति का विश्लेषण कर रहे हैं, इन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ अपना राजनीतिक
रोटी सेकना चाहते हैं। घंटों मंदिर में ताला लटका रहा, लेकिन बाद में मंदिर में लगे ताले को एसडीएम मोहनलाल मरांडी की उपस्थिति में तोड़ दिया गया। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में ताला लगा दिया था, अब ऐसे लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिर आपका जिला से भी पुलिस वर्ग हम लोग मंगा लिए हैं और इसके चलते हम लोग त्वरित कार्रवाई करके वहाँ के दरवाजों को हम लोग खोलने में सफल रहे। किन लोगों के द्वारा इस हरकत किया गया है, इस तरह की जो तालाबंदी की गई है, मंदिर को बंद कर दिया गया है लगभग 5 घंटे तक, कौन लोग चिन्हित हुए? कुछ सामाजिक तत्व हैं, इस पर हम लोग थाना प्रभारी को लिखित दिए हुए हैं, फिर उस पर आगे की कार्रवाई हो जाएगी और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मंदिर परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रस्ट के विरोध में कुछ लोग गोलबंद होने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रांची के बुंडू से राज हलदार की रिपोर्ट। तो मां देवड़ी 16 भुजाओं में स्थापित है, मां देवड़ी की 16 भुजाएं हैं और महिमा अपरंपार है। भूगर्भ वेता ने जब जांच की है मंदिर की, तो माना जाता है कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिर बनी है। करीब 700 साल पुराना मंदिर और जमीन को लेकर आज विवाद, विवाद ट्रस्ट को लेकर कि ट्रस्ट का गठन गलत तरीके से किया गया है। साहब कम से कम माता के मंदिर को छोड़ दीजिए, साहब कम से कम उन स्थानों को छोड़ दीजिए जहां श्रद्धा के केंद्र माने जाते हैं और ज्यादातर श्रद्धा के केंद्रों को निशाना बनाया जाता है। इस तरीके से ये उचित नहीं कहीं भी। और जहां तक माता की महिमा की बात है तो फाटक खुल चुका है और दर्शनार्थी दर्शन भी कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।